आंसू की सालू में दूला कटवा दे भौजी, आंसू की सालू में दूला जी। हाँ तुम जा तनो जाने के हम ब्याह लायक है नहीं ना। तुम ब्याह लायक नहीं हो, तुम्हारी ब्याह की उम्र निकल गई। अबे का हो निकल गई? काय काय क्या साल के हो गए तुम? हम ये 17-18। अच्छा और का इसे ज्यादा के थोड़ी है। तुम के साल की हो? हम 25 के हैं के 32 की 32 के का जब तुम 17 के हो सकत हो, 25 के नहीं हो सकत। हम का बताएं भैया, जब से जाए नहीं चल गए ब्यूटी पार्लर जाए सूटी पार्लर ब्यूटी पार्लर। हां तुम तो जाती हो सो जानती हो भैया, ऐसी चल गई जाने भी का लगा देती 300 भरा के देती मुंह पे। पर ऐसे का जब बूढ़ी नुका जाए ऐसे लगा जैसे अब बेहाल मेरे को 16 साल की हुई। एक बार हम दिल्ली से लौट रहे थे तो ऊपर की सीट पर पड़े थे ट्रेन में और नीचे बैठी थी दुकानिया। हाँ 50 साल की 60 साल की 45 साल की इससे कम की नहीं थी। वो आपस में चर्चा कर रही, आई बहन तुम के साल की हो? जनवा 45 की क्या करे 18-19 इससे ज्यादा नहीं ना। वो जनवा 50 की नहीं कहा दीदी तुम? दीदी नहीं कहो 19-20 इससे ज्यादा नहीं ना। जो 55 की हती उन्हें कहा दीदी तम तम दीदी का खो कह रही 20-21 इससे ज्यादा नहीं ना। जो 60 की हती उन्हें तम दीदी अरे दीदी का खो कह रही पता हमारी आप अतन को जो काम किया हो गई हम 22 देश के तो हैं या बे। हमें बहुत गुस्सा आई, हम ऊपर की सीट पे सोन दुकानियन के बीच में गिरे भागा। कहने कहा बेटा का होगा हमी हम हुआ परे हम अब ये भय नरात तमाई होना ने को काटने। हाँ जब तुम 50 की हो 25 बता रही तो हम तो वे 25 ही के हैं। सुनो तुम जा तो नो जानने के हम ब्याह लाख नहीं भाई। और सम्मानी श्री आशीष दीक्षित जेल बंडा, इनकी तरफ से इनके अमलों पे का आशीर्वाद आया है और इनकी फरमाइश है रिश्तेदार पूरे बुलाऊं ने पप्पू को मुंडन कराऊं ने। और सम्मानीय भैया बबलू सिंह बाल मुकुंद दुबे जी जेल बंडा, इनकी तरफ से भी इनके अमलों पे का आशीर्वाद आया है।